So let us start drawing object and its properties. Writing drawing tools are used to create graphics like rectangles, circles, lines, text, and other predefined shapes. That means if you want to draw any objects, like aap koi circle draw karna chahte ho, lines draw karna chahte ho, text draw karna chahte ho, या यू वॉन्ट टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको राइटर ओपन करना है. मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ आपको साथ में. ओपन राइटर, ओपन ऑफिस राइटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए. ओपन ओपन ऑफिस राइटर, ओपन होने दो, लेट देम. हो गया नाउ. अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, बुक में देखिए. You have to click on View tab. View menu में जाएंगे. ये आपको View menu दिख रहा है स्क्रीन में सबको? View menu दिख रहा है? Getting everyone? Yes, View sir. menu में जाएंगे. View menu में जैसे ही when we click on View menu, you will get a pop-up menu will open. दिख रहा है सबको? Pop-up menu खुला है. दिख रहा है? ये हम लोग View menu में गए और यहाँ पे आपको अंदर में एक ऑप्शन मिलेगा टूल बार का. देखो तो है ये टूल बार, दिखा सबको? टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, ड्राइंग्स में, है ना? इसमें क्लिक करेंगे हम लोग ड्राइंग में. तो जैसे ही ड्राइंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक विंडो आया है, दिस इज नोन एज ड्राइंग टूल बार. दिख रहा है सबको? ये देखो पहले में क्या है जो आपको देखो बुक में भी दिया हुआ है, सेलेक्ट, दूसरा है लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स, फ्री फॉर्म लाइन. दिख रहा है बुक में यही सब है? देखिए आप, देन टेक्स्ट, देन कॉल आउट्स, बेसिक शेप्स, सिंबल शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट्स, कॉल आउट्स अगेन, देन स्टार्स, देन पॉइंट्स, देन फॉन्ट वर्क गैलरी, देन फ्रॉम फाइल, द स्ट्रेशन ऑन ऑफ. दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन यू विल गेट व्हेन वी क्लिक ऑन ड्राइंग टूल बार. गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? तो अगर आप इसमें से जो भी ड्रॉ करना चाहते हो यू कैन इजीली ड्रॉ. सपोज आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया. आपको इसका कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे और इसमें आपका देखो आप पोजीशन टेक्स्ट लाइन, ये देखो इसमें जाने के बाद आप यहां से इसका कलर, एक मिनट रुक जाओ, ये आप पोजीशन एंड साइज में जाओगे. यहाँ पे देखो कलर का होगा अगर आपको ऑप्शन, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज द कलर. कलर का ऑप्शन है जी, देखो कहीं पे रोटेशन है आपका, स्लैंट कॉर्नर रेडियस है, पोजीशन एंड साइज है. ठीक है, यहाँ कलर का ऑप्शन है. रुको, कलर के लिए एक मिनट. आप कैप्शन लाइन एरिया, एरिया में देखो शायद आपको मिल जाएगा. ये देखो कलर, यहाँ पे एरिया में जाके आप कलर चेंज कर सकते हो. ये देखो कलर चेंज हो गया. आफ्टर दैट आप इसमें और भी बहुत सारे चीजों को चेंज कर सकते हो बाय गोइंग टू एरिया ऑप्शन. एरिया ऑप्शन में ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो, 50% को बढ़ा सकते हो, 35%. देख रहे हो कलर्स, ग्रेडियंट्स, हैचिंग, ये सारे कुछ, बिट मैप, शेडो ला सकते हो एरिया. ये सारे चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट इलिप्स. आप इलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हो. इसका भी कलर आप उसी तरह जाएंगे टेक्स्ट में जाकर के, या फिर टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इनसाइड द टेक्स्ट. और यू कैन चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन एरिया ऑप्शन. एरिया ऑप्शन में फिर कलर्स में जाएंगे, यहाँ रेड कलर करना हम रेड कलर कर देंगे, जो भी कलर चेंज करना है कर सकते हैं. इसके साइज को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ये जो ग्रीन कलर का हैंडल दिया हुआ है इसे हम इतना बड़ा साइज भी कर सकते हैं. अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो बिल्कुल छोटा भी कर सकते हो. मिड से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इस तरह से. ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में सबको? दिख रहा है जी? इसी तरह आपका स्माइली है, डायमंड्स, डायमंड्स बेसिक शेप्स में देखो बहुत सारा शेप्स है ना. यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो आप, ये क्यूब टाइप का जो दिया है इसको ड्रॉ कर सकते हो, कॉल आउट्स ड्रॉ कर सकते हो, है ना. इसके अलावा टेक्स्ट,
टेक्स्ट बना सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिखते हैं क्लास 10, ठीक है, ये बना सकते हैं। इसके साइज को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट दूंगा, इसमें आपको बनाना है, ठीक है ना। फिर इसके साइज को छोटा भी कर सकते हो। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है आपको यूज, ये हैंडल्स है ना, हैंडल्स से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये स्माइलीज आप चाहते हो इंसर्ट करना तो स्माइलीज आप कर सकते हो इंसर्ट। इसका कलर चेंज करना है तो आपको बता ही चुके, एरिया में जाओ, यहाँ पे कलर्स है, कलर्स में येलो करना है, येलो कर देंगे, है ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है आपका ड्राइंग टूल बार। तो इसको आप लोग अपने अपने मशीन में सिस्टम में ट्राई कीजिए करने का, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है मशीन तो आप लोग यहाँ वीडियो में देख लीजिए। स्टार है, फॉन्ट वर्क गैलरी है, फॉन्ट वर्क गैलरी से भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। सपोज कोई भी एक चूज करते हैं, मान लो हम ये वाला चूज किए, ओके किए, आ गया, कहाँ गया जी, ये देखो फॉन्ट, इसको अगर चेंज करना फॉन्ट वर्क को तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। अब यहाँ फॉन्ट वर्क को पहले मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं क्लास, यहाँ लिख देते हैं राइटर, ठीक है, इंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ राइटर बन गया है ना, ये देखो। इसका साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखो इसका साइज काफी बड़ा है, इसको इस तरह से हम छोटा कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, ठीक है। ये राइटर मैंने लिख दिया, ठीक है, इसके साइज को भी आप छोटा कर लो, ये देखो। इस तरह से स्टाइलिस्ट वे में आप लिख सकते, चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे इसी पे फॉन्ट पे, और इसके अंदर हमको मान लो लिखना है कुछ भी लिखना, मान लो क्लास 10 और एंटर कर देंगे तो ये क्लास 10 में चेंज हो जाएगा, बाहर क्लिक कर देंगे तो, ठीक है। इसमें भी राइट क्लिक करने पे यहाँ पे पोजीशन एरिया, इसका कलर को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकते हो, कोर्स में कर सकते हो। देखो कोर्स में मैंने किया और ओके किया, देखो चेंज हो गया इसका कलर। राइट क्लिक, टेक्स्ट में चेंजेस करना है तो टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो, राइट क्लिक करके एरिया कलर और चेंज करना है तो यहाँ से ड्रॉपलेट्स या जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर, ठीक है। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल ऑप्शन भी है कहीं पे, ये फ्रॉम फाइल से भी हम लोग गेट कर सकते हैं जो भी चीज चाहो। आप देखते हैं मेरे पास कुछ पिक्चर होगा अगर डाउनलोड्स में, तो उसको इनहेल कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके ला सकते हैं। मान लो ये पिक्चर है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करेंगे, ये देखो बच्चों का जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, ये स्टोरी टेलिंग कंपटीशन था, उसका फोटो यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन ऑफिस राइटर में यूजिंग ड्राइंग टूल बार हम लोग कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू फॉन्ट गैलरी से फॉन्ट वर्क इंसर्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स इंसर्ट, ये देखो पॉइंट्स भी दिया हुआ, आई थिंक कहाँ गया ये इमेज को पहले हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका एक पॉइंट्स वाला था, कहाँ गया, ये स्टार है, स्टार भी ड्रॉ कर सकते हो आप, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये एक्टिव नहीं है अभी, चलो इसको अभी छोड़ दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बना लिए। चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं, ड्राइंग टूल बार में सेलेक्ट टूल, देन ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज टूल बार, क्लिक ऑन आइकन ईच प्रॉपर्टीज, हर एक का प्रॉपर्टीज में जा करके हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका चेंजेस कर सकते हैं हर एक का ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। ये देखो यहाँ फॉर्मेट में गए, ठीक है, ये देखो कहाँ गया, व्यू टूल बार, यहाँ देखो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से अब सारे कुछ इसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू बैकग्राउंड रैप ऑफ, वही सब सारा चीज दिया हुआ है जी जो हम लोग अभी किए हैं। रिसाइजिंग तो हम लोग कर ही लिए इमेज का, ये देखो बुक में जो पेज नंबर 118 में दिया हुआ है, ये देखो साइज, ये तो हम लोग कर लिए। जो भी आपको ड्रॉ करना है यू कैन इजिली ड्रॉ, लाइन ड्रॉ करना लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से,
इसका साइज कम बेसी करना, इस तरह से कर लेंगे, बढ़ा